हे यू व्हाट्स अप गेमिंग आर्मी, वेलकम टू गेमिंग्स प्रो। तो गाइस यार, बहुत दिनों से हम लगातार ज़ॉम्बीज मोड पे वीडियो डाल रहे थे, जिस कारण बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई यार क्लासिक मैच खेलो। तो आज हम खेल रहे हैं यार क्लासिक मैच, वो भी सोलो। और मेरे ये पीछे बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, नीचे बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है। तो कोशिश करेंगे यार इस सोलो मैच में जो है चिकन डिनर लेने की। बहुत दिनों बाद सोलो खेल रहे हैं तो मज़ा आने वाला है यहाँ पे। खैर, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने न्यू करी है, मैं हमेशा कोचिंग की जाता था, इस बार मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट जो है मानी है और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नोवो। तो देखते हैं नोवो में कितने लोग आते हैं और मज़ा आएगा। मैं सोलो में फ़र्स्ट टाइम नोवो जा रहा हूँ, इससे पहले मैं सोलो में कभी भी नोवो नहीं गया। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल कंटेनर पे उतर रहा था, लेकिन मेरा जो डिवाइस है वो बहुत लैग हुआ, जिसकी वजह से जो है मैं यहाँ पे उतर गया। सामने की तरफ जो है मुझे तीन चार लोग उतरते हुए दिखे, तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से जो है गन ले लिया जाए। और मेरे पास कोई बंदा है, मैं समझ गया था उसके पास कुछ नहीं है, और वो भी अभी अभी उतरा है। और ये देखिए, मैंने जो है उसे किल कर दिया। मुझे पता था उसके पास कुछ नहीं है, और कंटेनर के अंदर हो सकता था उसे कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी मैंने रश कर दिया उस पर। अब यहाँ पे मैं लूट रहा था, इतने में मुझे जो है हल्के से फुटस्टेप आए कंटेनर के ऊपर से। मैं समझ गया कोई मुझ पे जो है रश कर रहा है, और मैंने यहाँ पे टीपी भी लिया और उसके बाद शॉटगन थी। लेकिन जब तक वो अपनी शॉटगन को उठा पाता तब तक मैंने जो है उसका काम तमाम कर दिया था। यहाँ पे देखिए, ये बंदा भी जो है टीपीपी ले रहा था, पता नहीं कहाँ से आया अचानक से, टीपीपी ले रहा था, मैंने किल कर दिया। अब जो है बंदे जो भी बचे हुए हैं वो उस साइड है, और मेरे को जो है सड़क पार करके उस साइड जाना पड़ेगा। तो चलो यार उधर चलते हैं और उधर भी जो है सबको साफ करते हैं, एंड पूरी ट्राई करेंगे यहाँ पे जो है चिकन डिनर लेने की। साथ ही में स्नाइपिंग भी मैं करूँगा अगर मेरे को कहीं पे स्नाइपर मिलती है तो। अभी मुझे रास्ते पे जो है एक बंदा भागते हुए दिखाई दिया सामने, पर मेरे पास स्कोप नहीं था और इतने में वो जो है कहीं दूर चला गया। अब मैंने सोचा क्यों ना उसको जो है उसका पीछा किया जाए, उसको मारूंगा मैं सिंगल टैप पे जो है अपनी गन को लगा के यहाँ पे। और हमारे बाजू में जो है नगर कीर्तन हो रहा है, यानी कि पूजा पाठ चल रहा है, जिसकी वजह से हल्का सा आपको साउंड उधर का भी सुनाई देगा। तो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे फिलहाल जैसे मैं इस तरफ आया था मुझे वो दिखाई नहीं दिया, और मैं समझ गया कि वहाँ पे जो है कोई दो लोग जो है आपस में फाइट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है किल लिए जाएं बीच में। और ये बंदा जो है वहाँ पे रिवाइव कर रहा था, अपने आप को हील लगा रहा था, मैंने जो है उसको पीछे से किल कर दिया। अब वहाँ पे एक और बंदा था जिसके साथ ये फाइट कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना उसको भी मारा जाए। और अब मैं जो है उसको मारने के लिए जो है यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मुझे पता नहीं है कितने लोग हैं यहाँ पे। और जैसे मैं जो है इस सड़क को पार कर रहा था, मेरे पे फायर हुआ, गंदा वाला फायर हुआ। अब मैं डर गया था पूरे तरीके से। इतने मुझे एक और फुटस्टेप यहाँ पे सुनाई दिए, और ये हाईएस्ट आरपी वाला बंदा था जिसका नाम आया था। और मैं सोचा क्यों ना सामने वाले को भी मारूँ, लेकिन बच के चला गया वो। अब मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम थी, मैंने सोचा क्यों ना बैंडेज लगा लिया जाए यहाँ पे। और अब वो बंदा जो है मेरे को कुछ भी करके जो है मेरे पे रश करने वाला है, क्योंकि उसको पता है इसकी हेल्थ कम है। और मैं भी जो है अच्छा यूज़ किया अपने हेडफोन का, वो जैसे मेरे को घुमा के आ रहा था, मैं जो है दूसरी साइड से घुमा के उस पर रश कर दिया। और ये होता है एकेम का स्प्रे। तो फाइनली इसको भी किल किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन दिक्कत होती है नोवो पे आने की, कि आपको जो है गाड़ी लेके ब्रिज क्रॉस करना होता है 70 टाइम। अगर आप 70% नोवो में आते हो, मतलब 100% नोवो में आते हो, तो पक्का जो है जोन उसी तरफ बनता है और आपको ब्रिज जो है क्रॉस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इतने में सामने में जो है एक फ्लेयर जो है किसी ने चलाई वहाँ पे, और मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पे जो है रश करूँगा। और मेरे पास भी फ्लेयर मिल गई है इन सभी लोगों को मार के, 6 किल किए मैंने नोवो में, और एक में से मुझे फ्लेयर मिली। तो मैं भी जो है जोन में जा रहा हूँ ताकि मैं फ्लेयर चला पाऊँ। अब मेरा यहाँ पे हल्का सा लैग हुआ, मतलब ब्रिज ब्लॉक है। अब मैंने यहाँ पे जो है गाड़ी रोकी सबसे पहले, उसके बाद मैंने बूस्ट मारा और सोचा कि यार जो भी होगा देखा जाएगा। मेरी हार्ट बीट यहाँ पे बहुत हाई हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास फ्लेयर थी यार और अच्छे किल भी थे, तो मैं सोच रहा था ब्रिज ब्लॉक ना हो। और इसके लिए मैंने गाड़ी शेक करी, लेकिन मेरे पे बहुत गंदा फायर हुआ और शेक की वजह से मैं बच गया। अब मैंने यहाँ पे क्विक फैसला लेना था, क्योंकि मुझे जोन में जाना था, और मैंने फैसला लिया कि मैं जो है पानी में छलांग लगा के ब्रिज क्रॉस करूँगा। अब जब भी आप पानी में छलांग लगा देते हो, ऐसी सिचुएशन आपके पास बनती है, तो सबसे पहले इस पिलर के पास आके जो है आप अपनी हेल्थ को फुल करिए। उसके बाद जो है आप एक बार अंडरग्राउंड हो जाइए, और भले ही कितनी भी हेल्थ कम हो, आप अंडरग्राउंड ही जो है यहाँ पे तैरा कीजिए। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी ऊपर होगे तो आपको जो है वो बंदा मार देगा, और आप नॉक भी नहीं होंगे, डायरेक्ट मर जाओगे। अब इतने में एक गाड़ी आई जोन जो कि ब्रिज में से गुजरी,
और उस बंदे का ध्यान भटका और मैंने जो है चुपके से मैं इधर से भाग गया। अब यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी थी यार कि सेम टाइम पे गाड़ी आई और मैं भी जो है साइड से निकल गया, वो बंदा अभी भी मुझे जो है वहीं पे ही खड़ा होके देख रहा होगा। फिलहाल मेरे को बगी मिल गई है, मेरे पास फ्लेयर भी है यहाँ पे, तो जोन में जाके सबसे पहले मैं फ्लेयर चलाऊँगा। अब जैसे मैं जोन में जाने वाला था यार, यहाँ पर मुझे दो बोट दिखाई दी, जिसमें से एक बोट में से जो बंदा है वो आ रहा था बाहर को, और वो देखिए वो दौड़ रहा है ओपन में। अब उसने मेरे को देख लिया है और मैंने भी उसको देख लिया है। यहाँ पे मैंने जो है पेड़ के कवर में गाड़ी रोकी, मुझे पता था वो फायर करेगा। और जैसे उसने अपना फायर बंद किया, क्योंकि जैसे फायर गोलियाँ ख़त्म होती है तो बंदा रिलोड करता है, और मैंने उसे मार दिया। अब तुम्हारे भाई के पास M24 है यहाँ पे, तो स्नाइपिंग भी देखने को मिलेगी आपकी हल्की सी मेरी। मैं स्नाइपिंग में, मेरे को 0% कुछ भी नहीं आता, 0% है मैं स्नाइपिंग में, कुछ भी नहीं कर पाता हूँ मैं। लेकिन फिर भी जो है बहुत से लोग बोल रहे थे यार ट्राई करो तो मज़ा आता है, तो अभी स्नाइपिंग है मेरे पास और पास फ्लेयर गन भी है। तो जोन में जाके अभी सबसे पहले एक ही काम करूँगा कि फ्लेयर गन चलाऊँगा। तो जोन काफ़ी क्लोज है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी कि अब कोई रश ना कर दे मेरे पे फ्लेयर गन चलाते समय। और बगी पे फुल बूस्ट पे मैं जो है जा रहा हूँ। अब जो है जैसे मैं जोन में आया तो सामने मुझे जो है एक स्क्वाड हाउस दिखा, जहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना जोन में जाता हूँ, वहाँ पे स्क्वाड हाउस में जाके फ्लेयर को चलाएंगे। लेकिन इतने में ये गाड़ी आई जिसने मुझे हल्का सा डरा दिया यहाँ पे, और वो गाड़ी एक सामने से भी गाड़ी आई, तो मेरी तो यहाँ पे फटके जो है चार हो गई थी इस समय। लेकिन मुझे यहाँ पे रुकना था, जिस वजह से मैं यहाँ पे रुका, चाहे मुझे किसी के भी साथ फाइट क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्लेयर चलानी थी और वो मैंने चला दी। अब यार फ्लेयर देखो चलाने में कितना देरी हो गई है, कुल 18 लोग बचे हैं। तो जैसे मैं जोन में आया तो गाइस जोन और दूर चला गया, और इतने में अभी जो है यहाँ पे जैसे मैंने फ्लेयर चलाई, मेरा ड्रॉप आया, दो गाड़ियाँ आ गई, एक गाड़ी से बंदा उतरा और दूसरी गाड़ी जो है वो भी यहीं पर आके रुक गई। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में मेरी फटके चार हो गई थी, दो दो लोग नीचे और मेरे को फ्लेयर ड्रॉप भी लूटना है, और दोनों यहीं पे आके रुके यार, मतलब क्या कमाल की बात है। दोनों लड़ भी नहीं रहे थे और एक बंदा जो है यहाँ से फाइनली चला गया, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं अपना ड्रॉप लूट लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मेरा ड्रॉप आ चुका है सामने, और अब इतने में एक और गाड़ी आ गई, यहाँ पे दो बंदे ऑलरेडी थे, तीसरा बंदा भी आ गया, तो मैं जो है यहाँ पे थोड़ा सा बच के उठ गया, और जैसे ही मैं जहाँ पे वो उतरा मैंने उसको मार दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लूट रहा था, या इतने में मेरे को जो है एक बॉडी शॉट पड़ा और इसने भी मेरे को मारा, क्योंकि मैं क्राउच था वहाँ पे, तो बाल बाल बचा यार यहाँ पे मैं। अभी मैंने अपनी जो है AWM की एमओ भी सही से नहीं उठा पाया। अब जो है मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गई थी इस वाले पे, तो इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अभी मैंने बिना हील किए यहाँ पे जो है रश कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हील करूँ पहले, और जैसे मैंने हील की तो वो बंदा जो है थोड़ा सा मेरे पे रश करने के लिए आ गया, मैं बिल्कुल कवर ले गया, और इतने में देखा वो बहुत ही न्यू लोगों की तरह जो है मेरे पे नीचे देखने के लिए आया, और मैंने उसे किल कर दिया। अब यहाँ पे एक बंदा जो है पहाड़ से मेरे पे फायरिंग कर रहा था, और मुझे AWM की एमओ भी वहाँ पे उठानी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे को हेडशॉट पड़े और मैं यहीं से ही जो है कट लूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे स्मोक किया, और अब स्मोक हो चुका है तो जल्दी से जो है मैं बची हुई एमओ को उठा लेता हूँ। और बहुत ही खतरे के अंदर आके मैंने जो है ये एमओ उठाई, और अभी जो है 13 लोग बचे हैं, अब जाके मुझे AWM मिली है, तो एक ना एक हेडशॉट तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए किसी को मारूंगा, और देखना ये होता है कि मेरा पहला हेडशॉट जो है किस बंदे को पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे मेरा शिकार मिल गया था, और यहाँ पे फ़ोन भी आ रहा है हल्का सा, ये पड़ा उसको हेडशॉट, और गजब भाई, मतलब मुझे वो हल्का सा दिखाई था और मैंने भी ऐसा हल्का सा मारा, लेकिन उसको हेडशॉट पड़ गया। फिलहाल मेरे को जोन में जाना है, और यहाँ पे नीचे गाड़ी है, तो मैंने सबसे पहले आसपास देखा, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं पे आके मैं मर गया था, नीचे कोई लेटा हुआ था। अभी जो है फ़िलहाल यहाँ से मैं निकल गया हूँ और जोन में जाना है, हल्का सा लैग हुआ, इसका मतलब जो है यहाँ पे बंदे हैं, एक मुझे दिखा भी था रिज पे, और सामने गाड़ी भी खड़ी है। तो अब यहाँ पे देखिए मेरी किस्मत, यहाँ पे इतना ख़तरनाक लैग हुआ कि एग्ज़िट ही नहीं करा, और जैसे एग्ज़िट करा तो 90% हेल्थ खत्म, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे हल्का सा एक फायर किया। वो बंदा जो है देखता रह गया वहाँ पे, मतलब मैं बिल्कुल घबरा गया था यहाँ पे,
क्योंकि मेरा इतना लैग हुआ मैं एग्जिट नहीं कर पाया गाड़ी से और चलती गाड़ी से कूद गया। खैर यहाँ पे दो बंदे आ चुके हैं, दोनों ने मुझे घेर लिया है और एक मुझे दिख नहीं रहा, मैंने उसको मारने की सोची और उन दोनों के आपस में लड़ाई होगी। अब मैं जो है नीचे जाता हूँ और जो बचा हुआ है उसको तो मैं मार दूंगा बड़े आराम से। पहले मैंने सोचा यहाँ पे है वो, लेकिन उसके बाद मुझे पता लग गया कि वो मेरे ही घर के नीचे है और दिखा भी वो मेरे को हल्का सा। ये मेरा हल्का सा जो है, और यहाँ पे जो है दोनों ने फायरिंग करी जिसमें मैंने उसको मार दिया। अब क्योंकि पहले मैंने उसे समझा कि वो गेट के पीछे है, फिर मैंने समझा वो गाड़ी के पीछे, लेकिन वो जो है कोने पे बैठा हुआ था और इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी फायर कर रहा था ताकि वो जहाँ पे भी हो उसको लग जाए, और वैसा ही हुआ। अब जो है मुझे जोन में जाना है यहाँ पे, और मेरे सामने एक घर है वहीं पे मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि वो जोन के अंदर है। यहाँ पे भी जो है हल्का सा लैग हुआ, लेकिन एक हेडशॉट जो है यहाँ पे और मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि सामने बिल्डिंग्स में कुछ लोग हैं। और जैसे मेरे को मौका मिला मैंने जो है एक और हेडशॉट लगा दिया। अब वो बंदा जो है किसी और को मार रहा था और मुझे पता था वो पक्का जो है किसी और को मारेगा, इतने में मैंने जो है उसको मार दिया। अब यहाँ पे यार, तो अभी मेरे को जोन में जाना था, ये घर जोन के अंदर था, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे आया मेरे को हल्का सा फुटस्टेप आया और मैंने उसको जो है किल कर दिया। अब मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे कोई बंदा है, लेकिन जैसे मैं घुसा मैंने कोइंसिडेंटली उसी तरफ देखा और फायर करके उसे मार दिया। अब यहाँ पे आखिरी बंदा बचा हुआ है जिसको मारना जो है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे आया वो भी कूदा और मैंने उसकी आवाज़ सुन ली थी, इसलिए मैं जो है यहाँ पे आके, वो मेरे को वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था और फाइनली जो है मैंने उसको किल कर दिया। तो बहुत ही आसान मैच था यार, लेकिन नोवो में मुझे थोड़ा सा जो है टफ का सामना करना पड़ा, टफ लोगों का। वहाँ पे जो है एक टाइम पे मैं बहुत लोगों से घिर चुका था, लेकिन फाइनली मज़ा आया यहाँ पे। और AWM चलाने में मुझे बहुत मज़ा आया यार। अगर तो मैं नेक्स्ट सोलो खेलूँगा तो उसमें मैं जो है स्नाइपिंग जरूर करूँगा, AK-98 ज़रूर चलाऊँगा, क्योंकि सोलो में AK-98 और AWM चलाने का अपना ही एक मज़ा आया। क्योंकि आप जैसे शॉट मारते हो बंदा नॉक होने के बजाय डायरेक्ट किल होता है, और सोलो स्क्वाड में वही होता है कि आप किसी को नॉक भी कर दो तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो जो है बच जाता है। खैर यार, मज़ा आया मेरे को आज का गेम प्ले, और बाकी आप बताओ आपको मज़ा आया कि नहीं। अगर तो आप ऐसे गेम प्ले और भी देखना चाहते हो तो यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी आप बताओ यार आपको गेम प्ले कैसा लगा, फेवरेट मोमेंट कौन सा था। एंड मैं मिलता हूँ यार यहाँ पे ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।